दोस्तों पेटीएम HDFC बैंक का जितने भी आपको क्रेडिट कार्ड्स मिलते थे उन पे मिलने वाला अनलिमिटेड कैशबैक को पेटीएम HDFC बैंक ने हटा दिया गया है। अब आपको जो भी कैशबैक मिलेगा वो एक कैपिंग के साथ मिलेगा। आपके पास पेटीएम HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उस पे जो भी कैशबैक मिलेगा वो अनलिमिटेड आपको नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको पेटीएम HDFC बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड है सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, किस क्रेडिट कार्ड पे कितना कैशबैक मिलेगा और कितनी कैपिंग के साथ आपको मिलने वाला है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम HDFC क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे पहले आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम के थ्रू पेटीएम मॉल मूवी या फिर पेटीएम के मिनी एप्स पे आप स्पेंड करते थे इस क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब आपको 3% का कैशबैक मिलेगा जब आप रिचार्ज करोगे, यूटिलिटी बिल पेमेंट करोगे, पेटीएम से आप मूवी परचेस करते हैं या फिर पेटीएम के मिनी एप्स पे आप स्पेंड करते हैं, तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कैप लगा दी गई है, आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 500 रुपीज तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। अगले बेनिफिट्स की इसकी बात करें तो पहले इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2% का कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम से अदर कोई भी स्पेंडिंग करते थे, तब आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। लेकिन अभी भी आपको अदर कोई भी आप स्पेंडिंग करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के थ्रू, तब आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कैपिंग लगा दी गई है, मैक्सिमम आप कैलेंडर मंथ में 500 रुपीज तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी इस क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। लेकिन अब आपको पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो अब आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन वो कैपिंग के साथ मिलेगा। यानी कि आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम आप 1000 रुपए तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की पहले आपको मंथली फीस देना होता था जो 49%+18% की मंथली फीस होती थी, लेकिन इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब आपको एनुअली फीस इस क्रेडिट कार्ड की देनी होगी। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करेंगे तब आपको 500 रुपीज का चार्ज देना होगा, जिसको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। अगर फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपए आप स्पेंड कर देंगे तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है वो वेवर कर दी जाएगी। इसके बाद इस क्रेडिट कार्ड की जो 1 साल बाद रिन्यूअल चार्जेस लगेगा वो भी सेम है, 5,000+18% रहेगा। लेकिन 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन आप कर लेते हैं तो आपका जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा वो भी वेवर ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये ट्रांजेक्शन EMI वगैरह का नहीं होना चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड के बाकी बेनिफिट्स है वो सेम रहेगा, बाकी कोई भी चेंजेस इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पेटीएम HDFC सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पहले 5% का कैशबैक मिल जाता था जब आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेटीएम से आप स्पेंड करते थे पेटीएम मॉल मूवी या फिर पेटीएम के मिनी एप्स पे आप स्पेंड करते थे, तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था। लेकिन अब इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा जब आप रिचार्ज, यूटिलिटी या फिर आप ट्रेवल मूवी या फिर मिनी एप्स पे आप पेटीएम के थ्रू स्पेंड करेंगे, तब आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आपको एक कैपिंग दे दी गई है, आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 1500 रुपए तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पहले 2% का कैशबैक अनलिमिटेड मिलता था जब आप पेटीएम से अदर कोई भी स्पेंडिंग करते थे, तब आपको 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता था। लेकिन बैंक ने इसको रिमूव कर दिया गया है। अब आपको 3% का इस क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड से स्विगी, आजियो, बिग बास्केट या उबर पे आप स्पेंड करेंगे, तब आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको एक कैपिंग दे दी गई है, आपको मैक्सिमम एक कैलेंडर मंथ में 500 रुपीज तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो पहले भी आपको 1% का कैशबैक मिलता था और अभी भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 2000 रुपए तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। अब बात करते हैं पेटीएम HDFC मोबाइल क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे आपको पहले 2% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम के थ्रू पेटीएम मॉल मूवी या फिर पेटीएम के मिनी एप्स पे आप स्पेंड करते थे, तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 2% का कैशबैक मिलता था।
लेकिन आपको अब सेम कैटेगरी पे आपको अब इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, लेकिन आपको कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 250 रुपीज तक का ही कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा पेटीएम के थ्रू आप अदर कोई भी स्पेंडिंग करते थे तब इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन बैंक ने इसको रिमूव कर दिया है। अब आप पेटीएम से ही अदर कोई भी स्पेंडिंग करेंगे तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 2% का कैशबैक मिलेगा और ये आप एक कैलेंडर मंथ में 250 रुपीज तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आपको पहले इस क्रेडिट कार्ड पे 0.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन अभी भी आप अदर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 0.5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन आप एक कैलेंडर मंथ में 500 रुपीज तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की पहले आपको मंथली फीस देना होता था, लेकिन बैंक ने इसको रिमूव कर दिया है। अब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे एनुअली फीस देना होगा, यानी कि पहले इस क्रेडिट कार्ड पे मंथली फीस होती थी वो 29 रुपीज मंथली फीस होती थी, लेकिन अब इस क्रेडिट कार्ड का आपको एनुअली फीस देना होगा। जब इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करेंगे तब 149+18% का GST लगेगा, लेकिन इसको वेवर भी करा सकते हैं। आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है वो वेवर हो जाएगी। वहीं एक साल के बाद इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस लगेगी जो भी सेम रहेगी 149+18% का GST, लेकिन एक साल में आप 25,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देंगे तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिए जाएंगे इनको भी वेवर ऑफ कर दिया जाएगा और इस क्रेडिट कार्ड पे बाकी जो भी बेनिफिट्स मिलते थे वो सेम रहेगा। अब बात करते हैं पेटीएम HDFC बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे पहले आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम के थ्रू पेटीएम मॉल पे स्पेंड करते थे इस क्रेडिट कार्ड से, तब आपको 3% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे अनलिमिटेड मिलता था, लेकिन अब भी आपको 3% का कैशबैक मिलेगा जब आप रिचार्ज, यूटिलिटी, मूवी और मिनी एप्स पे आप स्पेंड करेंगे तब आपको 3% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे आप कैपिंग लगा दी गई है। आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 500 रुपीज तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम पे मंथली बिल पेमेंट एड कर लेते थे तब आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन बैंक ने इसको रिमूव कर दिया है। अब आप पेटीएम पे ही अदर कोई भी स्पेंडिंग करेंगे तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 500 रुपीज तक का ही अर्न कर सकते हैं। और पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन पहले करते थे तो आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन अभी भी आप पेटीएम को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% का कैशबैक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कैप लगा दी गई है। आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 1000 रुपए तक का ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा पहले इस क्रेडिट कार्ड से आपको एक फीचर मिलता था, जब आप कैलेंडर मंथ में फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप एटीएम से कैश विड्रॉल का करते थे तब आपको एटीएम पे जो भी आपको कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन पे चार्ज लगाया जाता था उनको रिवर्सल कर दिया जाता था और ये कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 500 रुपीज तक का आप रिवर्सल ले सकते थे, लेकिन अब फिलहाल के लिए इस फीचर को डिसेबल कर दिया गया है। अब आप कोई भी एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तो आपको चार्जेस देना होगा। अब बात करते हैं पेटीएम HDFC सेलेक्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे पहले आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था जब आप पेटीएम के थ्रू पेटीएम मॉल, मूवी या फिर पेटीएम के मिनी एप्स पे आप स्पेंड करते थे तब आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन अभी भी आपको 5% का तो कैशबैक तो मिलेगा, लेकिन आप रिचार्ज, यूटिलिटी, ट्रेवल, मूवी या फिर मिनी एप्स पे आप स्पेंड करेंगे पेटीएम के थ्रू तब आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कैप लगा दी गई है। आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 1500 रुपीज तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और पहले आपको 3% का कैशबैक मिल जाता था जब आप इस क्रेडिट कार्ड पे मंथली बिल पेमेंट एड कर लेते थे तब आपको 3% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता था, लेकिन अब आपको 3% का कैशबैक मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड से स्विगी, आजियो, बिग बास्केट और उबर पे स्पेंड करेंगे तब आपको 3% का कैशबैक मिलेगा और यहाँ पे भी आपको कैपिंग लगा दी गई है। आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 500 रुपीज तक का कैशबैक ही अर्न कर सकते हैं। और 1% का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता था जब आप कोई भी पेटीएम को छोड़ के अदर स्पेंड करते थे तब आपको 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन अभी भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा पेटीएम को छोड़ के अदर कोई भी स्पेंडिंग करते हैं तब,
लेकिन यहाँ पे आपको कैप मिलेगी। आप कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 2000 रुपए तक ही कैशबैक अर्न कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड पे पहले आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर है वो 30 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता था। इस इंश्योरेंस बेनिफिट को डिसेबल कर दिया है, यानी कि अब इस क्रेडिट कार्ड पे कोई भी इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जितने भी मैंने कैशबैक इन क्रेडिट कार्ड पे बताए हैं, इनमें आपका फ्यूल का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ईएमआई का नहीं होना चाहिए, रेंट पेमेंट का भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस तरह के ट्रांजेक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये जितने भी चेंजेस हुआ है पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स पे, ये 1 अप्रैल 2023 से सभी क्रेडिट कार्ड्स पे लागू हो गए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखते हुए ही यूज करेंगे तभी आप कैशबैक को अर्न कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि पहले अनलिमिटेड मिलता था, लेकिन अब सभी क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे कैप लगा दी गई है। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड में चेंजेस हुआ है इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी नई नई वीडियोज आने वाली है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।